जय। हमें बता रहे हैं बाबा कि हमें ये भैंस का प्योर घी देंगे और चाय पिलाएंगे, तो हम इनके साथ आज जा रहे हैं अभी ट्रिप पे। जितनी भी इंडोर एक्टिविटीज है ये बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सुबह के 5:10 हुए हैं और हम निकले हैं फैमिली ट्रिप पर राजस्थान के लिए, जिसमें हम हमारी आइटनरी हमने प्लान की है अकॉर्डिंगली। हम लोग कवर करेंगे जयपुर, कवर करेंगे साथ में खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और सरिस्का टाइगर रिजर्व जाएंगे। ये तो हमने पहले से प्लान किया हुआ है। इसके अलावा हम क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना इस ट्रिप को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 का हमारा ये ट्रिप होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं राजस्थान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। समोसा। ये देखो रियल नंदी हमें दिख गए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एक गांव को क्रॉस कर रहे हैं। बड़े बड़े सीन पहली बार देख रहे हैं बच्चे भी हमारे। इसमें गाय बैल सब मिक्स हैं और सबके सीन इतने बड़े बड़े हैं। पर देखो ये बिल्कुल साइड में चल रहे हैं और गाड़ी के लिए पूरी जगह भी दे रखी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। 6 हम क्योंकि ड्राइव करते करते हो गए थे और क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो हमें लगा कि यहाँ आसपास हमें अब स्टे कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम कोई भगदड़ वाला काम नहीं करने वाले हैं, इस बार फैमिली ट्रिप पर हैं। इस जगह पर पहुंचने के लिए जब आप जयपुर वाले हाईवे पर रहते हैं तो वहां से हमें एक मोड़ आता है, बहरोड करके एक जगह का नाम है, वहीं से हमें अंदर टर्न होना होता है और ये लगभग 14 हम लोग अंदर आए हैं विलेज से होते हुए। और जो विलेज था, अल्टीमेट सीन्स वहाँ पर हमें देखने को मिले। पूरी अरावली पर्वतमाला वहाँ से दिखती है और जिस तरह से हमने गाय और बैल देखे हैं इतने बड़े बड़े सींग वाले, हमने और भी जगहों पर देखे हैं लेकिन ये तो कुछ अलग ही नज़ारा था। और बड़े बड़े खेत पूरे हम क्रॉस करते हुए आए हैं, तो अपने आप में ही अल्टीमेट जगह है। और जिस तरह से ये रिजॉर्ट इन्होंने बनाया हुआ है वो भी एक देखने लायक जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरल ब्यूटी, जब से हम आए हैं हमने चेक इन किया है, हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स और पैरट्स पिजन वगैरह तो सब हैं ही यहाँ पर, लेकिन इतनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी फ्रेश एयर मिल रही है। हम आपको इसका शो राउंड ज़रूर कराएंगे। इसका नाम है फन ग्राम। इस तरह की एंटीक चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये रिसेप्शन है इनका। विद्युत को सबसे ज़्यादा ये पसंद आया है, लाइट्स। और ये देखिए चेयर स्कॉर्पियो जैसी है ना, स्कॉर्पियन। जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ इतनी तेज़ थी, हमें लगा कि कोई जैसे बकरी आवाज़ करती है ना, हमें वो आवाज़ लग रही थी। फिर हमने ध्यान से देखा, बच्चों ने देखा तो वो बर्ड्स हैं, तो थोड़े साइज़ में बड़ी हैं, आई थिंक वो बटेर हैं और आवाज़ें बहुत तेज़ निकाल रहे हैं। इसी तरह से मैंने अपने ही रूम के ऊपर कुछ तोते भी देखे हैं, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। पूरा रिजॉर्ट वाली फील आपको मिलती है। एक तरफ लॉन है, दूसरी तरफ ये इस तरह से कॉटेजेस बने हुए हैं, बिल्कुल डिफरेंट। और क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है दिल्ली NCR वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि उनके तो बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट पर जाते हैं, जैसे हम लोग जा रहे थे अभी राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, तो भी आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए तो सबसे अट्रैक्शन पॉइंट यही है, इनफैक्ट बड़े लोग भी जिनको स्विमिंग करना अच्छा लगता है, हालांकि मैं नहीं करती हूँ, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा पूल बनाया हुआ है। और उसके जस्ट आगे ही हमारा कॉटेज है, ये ट्री हाउस कॉटेज। और इसके ऊपर देखिए, क्योंकि इस ट्री के ऊपर ये पैरट बैठा हुआ है, बहुत देर से मैं इसको देख रही हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे पिजन है। विदित तेरे सर के ऊपर है बिल्कुल। तो चलिए हम आपको अपना कॉटेज दिखाते हैं, क्योंकि हमने ये ऊपर वाला कॉटेज लिया है
और नीचे वाला कॉटेज क्योंकि मेरी फ्रेंड हमें ज्वाइन करने वाली है, उसकी फैमिली, तो वो लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए नीचे वाला कॉटेज है। तो अभी ये जो मुझे देख के लग रहा है, फसल का जो प्रोसेस, स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, अभी ये वो प्रोसेस है। और इसके बाद अभी हम आपको अपना रूम दिखाते हैं। देखिए, वाओ, टिया मैडम यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो गई हैं। विदित कहाँ है? विदित बाहर चला गया है। रूम एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जैसे बाहर से देखने पर मुझे लग रहे थे, अंदर से और ज़्यादा अच्छे हैं। बाहर ये जो स्पेस है, ये बहुत अच्छा है बैठने के लिए। शाम को यहाँ पर और अच्छा लगेगा। रूम में एमिनिटीज़ तो मुझे लगभग सारी दिख रही हैं, लगेज रैक से लेकर, फ्रिज है, वार्डरोब है, टीवी, बच्चों को तो टीवी चाहिए होता है, नहीं चाहिए, गुड। बेडिंग बहुत अच्छी है, इनफैक्ट बेड का साइज़ बिल्कुल किंग साइज़ है, तो तीन लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। वॉशरूम सारे ही मुझे लग रहा है इनके बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमने नीचे वाला भी वॉशरूम देखा है। गीज़र, एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन इस सीज़न में तो आपको एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, गर्मियों में ज़रूरत पड़ सकती है। एक पेडेस्टल फ़ैन भी है। और देखिए, जैसे नाम है ट्री हाउस, तो पूरा ये हट शेप में बड़ा अच्छा लग रहा है। लाइट्स भी अच्छी लग रही हैं। और सबसे अच्छी बात पता है, ऐसी जगहों पर ये जो नेचर के साथ ये सब चीज़ें मिलती हैं ना, जब तो फील और इसलिए अच्छा हो जाता है। लंच का टाइम तो बहुत देर पहले हो गया था, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, लेकिन ये मेरी फ्रेंड ने लेट करा दिया। गुंजन, गौरव और उनका बेटा शिवांश, तो ये लोग भी ये इस ट्रिप पे आधे रास्ते तक लगभग हमारे साथ रहने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे पूरे रास्ते रहें, बाकी इनके टाइम के ऊपर है। तो हमारा लंच ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, खाकर आज इन लोगों से रिव्यू कराना है कि कैसा खाना था। तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना रेडी है हमारे लिए, पनीर बटर मसाला, दाल तड़का और भिंडी, भिंडी मसाला, ये तो मेरी फेवरेट है, राइस एंड रोटी। तो आज गुंजन बताएगी कि खाना कैसा था। इसको कैमरे के सामने बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है, तुम कैमरे के सामने मत देखो, वैसे बता दो खाना कैसा था। नहीं, खाना कैसा खाना वाकई बहुत अच्छा था, दाल बहुत यमी थी, भिंडी मसाला इज रियली गुड, बहुत स्पेशल था। और हमने खाया पनीर की ग्रेवी, वो भी बहुत अच्छी थी। ऑल एंड ऑल चपातीज भी छोटी छोटी नरम नरम गोल गोल चपातियाँ थी, अच्छा था खाना, बहुत अच्छा था। तो बेसिकली देखिए, जो नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर नॉनवेज ऑप्शन भी है। बाकी वेजिटेरियन फूड में मुझे आइटम्स बहुत सारे दिख रहे हैं और बहुत रीजनेबल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जनरली अगर आप देखेंगे 250 रुपये में पनीर की सब्जियाँ मिल रही हैं, नॉर्मल सब्जियाँ 140-150, तो बहुत रीजनेबल है। यहाँ पर ग्रुप्स अगर आएँ तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, और बाकी तो आप सिंगल कपल कोई भी आ सकता है। ये तो हमने रास्ते में बहुत सारी देखी, लेकिन उनके सींग बहुत बड़े बड़े थे, इनके छोटे छोटे। चलिए, हमने अपना रूम तो आपको दिखा दिया, अब गुंजन का रूम मैं दिखाती हूँ आपको। ये जस्ट हमारे नीचे ही है, और ये हमारा कोजी ट्री हाउस। और गौरव पहले ही ढेर हो चुके हैं, थक गए हैं, शिवांश अभी जगा हुआ है, और मैडम क्या करने लगी हुई है, इसका डांस शुरू होने वाला है बस। ये रूम मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, बस डिफरेंस जो है हमारे रूम में और इनके रूम में, सिर्फ एक फ्रिज का डिफरेंस है, तो हम एक ही फ्रिज यूज़ कर लेंगे। वॉशरूम भी ऑलमोस्ट सेम है, सारे ही वॉशरूम्स बड़े बड़े हैं। तो रूम्स बड़े इस तरह से बनाए हुए हैं, कहीं से भी निकलो, कहीं से भी आ जाओ, अच्छा फील दे रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से बिल्कुल पूल व्यू आपको मिलता है, बहुत बढ़िया। बच्चे हमारे रेडी होके आने वाले हैं, बस पूल में जंप करना इन्होंने। आ जाओ टिया विदित, और ये बच्चे हमारे बहुत एक्साइटेड हैं जंप करने के लिए, स्लाइड करके आएंगे। और विदित की शुरुआत हो गई है बहुत ही धीरे धीरे। और देखिए, इतने सुंदर प्लांट्स के बीचों बीच ये पाथ बना हुआ है, ये कोजी कॉटेजेस तक आने के लिए। 6 कॉटेजेस इनकी इस तरह की हैं, इसे बेस कैटेगरी कहा गया है, और 6 दूसरे डिफरेंट तरीके की हैं, जिसमें से हमने आपको अपना भी दिखाया है और एक और अलग है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह की ये जो कॉटेजेस बनी हुई हैं, आप देखेंगे बीच बीच में डिस्टेंस है, ताकि किसी को एक दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये है इनका कोजी कॉटेज,
बहुत अलग तरीके से बनाया हुआ है, जैसे ऊपर आप सीलिंग देखेंगे तो ऐसे स्लोप में बनी हुई है सीलिंग, बाहर से देखने में भी बड़ी अच्छी लग रही है। इंटीरियर मुझे ऑलमोस्ट सेम लग रहा है सारे ही रूम्स का, साइज भी इवन इस रूम का भी अच्छा खासा साइज है। वॉशरूम सबके सेम है और वॉशरूम की एमिनिटीज भी सारे ही बाथरूम्स में आपको सेम मिलेंगी। और देखिए जैसा कि हम हर ऐसी जगह पर व्यू ढूंढते हैं तो यहाँ से भी बड़े सुंदर सुंदर आपको ट्रीज दिख रहे हैं, गार्डन दिख रहा है और यहीं से आप बाहर जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा विंडो है ये, तो यहीं से हम बाहर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आराम से बैठ सकते हैं। इस तरह के प्लांट्स इन्होंने जो लगाए हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। ये बेस कैटेगरी है जिसका टैरिफ 6,500 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग ऑल मील्स फॉर टू पीपल, जिसमें कि 10 साल तक के बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो देखिए मतलब मुझे लगता है बहुत रीज़नेबल है, सारी मील्स के साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आपको 6,500 रुपये में, अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं आपके तो आपका पूरा एक पैकेज बन जाता है। हर रूम में 1,000-1,000 रुपये का फ़र्क है। ये हैं वो लग्जरी कॉटेजेस जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बाहर से ही देखिए बड़े डिफरेंट तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है ये इग्लू स्टाइल में। सबसे पहले लालटेन्स, ये मैंने बहुत जगह पे देखी है, यहाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये है इनका लग्जरी कॉटेज, इसकी सीलिंग जैसे हमने वहाँ पर स्लोप में देखी, लेकिन यहाँ पर ये पूरा वुडन से कवर हो रखा है और इंटीरियर अगेन हमें वैसा ही सेम मिलता है। रूम्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, जस्ट 1,000-1,000 रुपये का डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है, तो अब आपके ऊपर है कि आप कोई भी रूम इनका ले सकते हैं। सारे ही रूम्स में आपको इस तरह से वाइड विंडो मिलता है जहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं और व्यू भी ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए काफ़ी अच्छा वेन्यू मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर आपको कुछ ऐसी गैदरिंग करनी है तो उसके लिए भी आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं, कोई वेडिंग करनी है, पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी। और सबसे अच्छी बात, अगर आप यहाँ डे पिकनिक के लिए आते हैं तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं। ये इस तरह की कुछ रोपिंग एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे अभी ऊपर चढ़ गए हैं, जिप लाइन, उन्हें पता चला कि यहाँ पर इंडोर जिप लाइन भी है। सनसेट होने वाला है अभी, सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, और ये जिप लाइन के लिए रेडी हो गए हैं। जितनी भी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत अच्छी बात है कि इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये आपके पैकेज में ही जो रूम टैरिफ है उसी में इंक्लूडेड है। आजा बेटा, वेल डन विदित। अरे विदित वापस मत जा। कोई हमारा बाहर वेट कर रहा है जिसका नाम है मारुति, और हम उससे मिलने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है। लेकिन उससे पहले हमारा चाय कॉफी रेडी हो गया और साथ में पकोड़े, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो जल्दी से फिनिश कर लेते हैं चलो। तो ये मारुति हमारे पास आ गया है, इसका नाम मारुति है और ये 20 साल का है, जिसे मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। गाना आप सुनाइए। अच्छा ये देखिए हमें बता रहे हैं बाबा कि हमें ये भैंस का प्योर घी देंगे और चाय पिलाएंगे, तो हम इनके साथ आज जा रहे हैं अभी ट्रिप पे मारुति के साथ। हम चले हैं मारुति की सवारी कर रहे ये। यहाँ विलेज के पास ही बहुत सुंदर बजरंगबली का मंदिर है, हमने सोचा था कि हम जाएंगे विजिट करेंगे, लेकिन बाद में ध्यान आया कि आज तो ग्रहण है, तो देखिए बहुत सुंदर ग्रहण के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हम कैमरे में ही ले रहे हैं क्योंकि सामने देखना तो नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग सामने नहीं देख रहे हैं। तो हमारे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये फुल एंजॉय कर रहे हैं, देखिए विलेज लाइफ क्यों भाई। हाँ मारुति इज बेस्ट।
देखो मैं डेयरिंग हूँ। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे जाने के अलावा। सब महारथी आ गए हैं सारे एक्टिविटीज करके। ब्यूटिफुल नाइट व्यू, बहुत सुंदर लाइट्स लग रही हैं और हम स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए हैं पूरी मंडली। इतने सारे रैबिट्स हैं यहाँ पर, मैंने तो अभी देखे हैं, नोटिस किया अभी देखो जब ये बाहर घूमने आए हैं। हेलो, इनके कुछ नाम भी रखे हैं, टबरी, क्यूट, टबरी की याद आ गई। हमारा टू विलेज टूर बहुत अच्छा रहा, मारुति ने बहुत अच्छे से हमें विलेज टूर कराया और सबसे अच्छी बात की हमें देसी घी, शुद्ध देसी घी भैंस का, वो भी मिल गया। हमने 5 किलो अपना पैक करा लिया है बहुत रीजनेबल अमाउंट में। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ये एकदम आप कह सकते हैं मिडिल में है। अगर दिल्ली, स्पेशली जो दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा से जो लोग आते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, क्योंकि यहाँ पर आकर, जैसे कि हमें कल खाटू श्याम जी जाना है, हमारा पहले से प्लान था, तो हमारे लिए यहाँ आकर वो रास्ता और इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ से अब खाटू श्याम जी जाएंगे तो बीच में हमें जींद माता, सालासर बालाजी, ये सारे एक ही रूट पर पड़ते हैं। तो इनफैक्ट आप लोग एक ही ये सारा टूर एक दिन में भी ट्रिप कर सकते हैं, पूरा वहाँ पर दर्शन करके वापस आ सकते हैं। आज हमारा बहुत मन था यहाँ पर, इन्होंने बताया था कि खालरे वाले बालाजी का एक मंदिर है बजरंगबली का, वो देखने लायक है, बहुत फेमस है क्योंकि वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि ग्रहण की वजह से आज हम जा नहीं पाए। आप लोग आएँ तो ज़रूर उसको विज़िट करें, क्योंकि ऐसी जगह हम कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन आज हम जा नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम अगर जब भी हम यहाँ आएंगे वो ज़रूर विज़िट करेंगे। साथ ही इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आसपास आपको विद इन 20 किलोमीटर्स मिल जाती हैं। जल महल, जैसे कि हमने एक जल महल जयपुर में किया था, यहाँ पर भी एक जल महल है, काफ़ी फेमस है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक डोसे की पहाड़ी मुझे इन्होंने बताया है, वो बहुत फेमस है, वो भी आप देख सकते हैं। और हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे ट्रिप में सरिस्का जो जगह हमने पहले से प्लान की हुई है वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो आप भी वहाँ पर प्लान कर सकते हैं जाने के लिए। हिमांशु हमें यहाँ पर मिले हैं, जो इस रिजॉर्ट के शॉर्ट्स डालते हैं बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन इनके चैनल पर, अपने चैनल का नाम बताओ हिमांशु। फनग्राम शॉर्ट्स के नाम से, फनग्राम शॉर्ट्स के नाम से आप देख सकते हैं, और यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ आपको उसमें मिलती रहेंगी। आप इनके चैनल को भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। गर्मा गर्म डिनर रेडी है और सब लोग टेबल पे भी रेडी हैं, तो हम खाने वाले हैं मिक्स वेज, पनीर ऑफकोर्स बच्चों को खाना ही है, दाल मखनी और रायता, और आज डेजर्ट में हमें मिलने वाली है राइस खीर, जो सब लोगों को पसंद है। तो हमने ऑप्शन जो आपको दिखाया है, जल्दी से इसके बारे में आपको एक ब्रीफ दे देते हैं, क्योंकि हमने ब्रीफली तो आपको दिखाया ही है, एक इन शॉर्ट आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जो हमने जैसा कि डिस्क्राइब किया ही है। साथ ही यहाँ पर आने के बहुत सारे रूट्स हैं, उसमें कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए बेटर रहेगा कि आप प्रॉपर्टी ओनर से या एम्प्लॉय से जो भी, जब भी आप बुकिंग करते हैं तो कनेक्ट हो जाए, ताकि आपको सही लोकेशन पता चल जाए। साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि जब आप यहाँ आएंगे, आप बताएंगे कि OT एक्सपर्ट का वीडियो देखकर आए हैं, तो आपको रेफरेंस देने का फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, तो वो तो आप ले ही लेंगे। साथ ही खाने की तारीफ, तो जैसे कि हमारे फ्रेंड्स ने बोला, सबने बोला खाना बहुत यमी है, तो आप यहाँ आकर, इनफैक्ट अगर आप यहाँ से गुजर भी रहे हो, स्टे ना भी करें, तो आप ये फूड एंजॉय कर सकते हैं और डे पिकनिक के लिए भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो इसी तरह से ऑप्शंस लेने के लिए चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ट्रैवल करते रहें OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।